यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। एक बड़ी खबर सामने आई है, 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में ये बदलाव किया गया है। सिलेबस में 50 महापुरुषों की जीवन गाथा को शामिल किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का जीवनी इसमें शामिल होगी। शहीद चंद्रशेखर आजाद से लेकर रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पढ़ाई जाएगी। इसी सत्र से पाठ्यक्रम में बदलाव हो जाएगा। जुलाई में स्कूल खुलने के बाद छात्र अब इस नए पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए पाठ्यक्रम में अब बदलाव कर दिया गया है और इस बदलाव के चलते आप देख पा रहे हैं कि ये महापुरुष जो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, अब उनके जीवन गाथा को छात्र पढ़ते नजर आएंगे। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में ये बदलाव हुआ है। 9वीं से लेकर 12वीं तक के सिलेबस में ये चेंजेस किए गए हैं। सिलेबस में 50 महापुरुषों की जीवन गाथा को शामिल किया गया है, यानी और एड ऑन किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी को सिलेबस में शामिल कर दिया गया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद से लेकर रामकृष्ण परमहंस की जीवनी भी पढ़ाई जाएगी। इसी सत्र से इस पाठ्यक्रम में बदलाव हो जाएगा और जुलाई में जब स्कूल खुलेंगे तो उसके बाद छात्र इस पाठ्यक्रम को पढ़ सकेंगे। जो नई चीजें सिलेबस में एड ऑन की गई है वो पाठ्यक्रम अब छात्र पढ़ पाएंगे। यूपी बोर्ड में बड़ा परिवर्तन किया गया है। बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 50 महापुरुषों की जीवन गाथा को शामिल किया है। नैतिक शिक्षा विषय में शामिल इन महापुरुषों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद से लेकर रामकृष्ण परमहंस समेत अन्य महापुरुषों की जीवनी इसमें पढ़ाई जाएगी। इन महापुरुषों की जीवन गाथा इसी सत्र से जुलाई में स्कूल खुलने के बाद यूपी बोर्ड के छात्र पढ़ सकेंगे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है और कार्यक्रम में शामिल हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए।